जो सेकंड टेस्ट हम कर रहे हैं इस ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, इसमें एक दफा एक आई को कवर करना है, दूसरी दफा दूसरी आई को कवर करना है। जब आप इसको वन आफ्टर अनदर करोगे तो आई विल गेट कंफ्यूज्ड एंड ब्रेक द फ्यूजन। दिस इज यूजुअली डन इन 4 years लेटेंट स्क्विंट, जब हिडन स्क्विंट होता है। जब आप देखते हो मिसअलाइनमेंट तो आपको आई से नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि मसल्स फोर्स लगा के आई के उसको सेंट्रली फिक्सेट कर रहे होते हैं आई को। ठीक है, मिस अलाइनमेंट और फटीक आई, तो आप एग्जॉस्ट करोगे रिपीटेडली, एक आई को कवर करोगे फिर दूसरे आई को करोगे। जब वो रिपीटेडली कवर एंड कवर करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी और फ्यूजन को ब्रेक कर देंगी। और फ्यूजन आपका साफ साफ, जो फ्यूजन था जिसकी वजह से फ्यूजन की वजह से स्क्विंट छुपा हुआ था, वो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा। सो वी मूव टुवर्ड्स द अदर स्लाइड। अब टेक्निक क्या यूज करनी है? टेक्निक बेसिकली यूज करनी है कि आपने उसको एक पॉइंट ऑफ फिक्सेशन देना है, पेन और पेंसिल। ठीक है, सो कहना है इसकी तरफ पेन पेंसिल और टॉर्च, राइट? फिर आपने 1 to 2 सेकंड के लिए एक आई को कवर करना है, और फिर आपने 1 to 2 सेकंड के लिए उसको अनकवर करना है, फिर दूसरी आई को कवर करना है। इस स्टेप को आपने रिपीट करना है 7 to 8 times इफ यू आर अनट्रेंड, वरना 4 to 5 times में कंसल्टेंट कैन, इट इज 4th year में होते हो, सो यू आर नॉट ट्रेंड इनफ एंड यू डोंट डू फास्ट इनफ एंड यू डोंट कवर द आई। ठीक है, आपको कंफ्यूज करना बहुत मुश्किल होता है, तो यू एटलीस्ट हैव टू डू दिस 7 to 8 times, उसके बाद जाके फ्यूजन ब्रेक करता है। फिर आपने ऑब्जर्व करना है वन और बोथ आईज। अब सपोज दैट स्ट्रोक टू आईज, आईब्रो, दिस इज आई, दिस दिस एंड आई विल यूज अनदर कलर फॉर अक्लूडर, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला अक्लूडर में पहले इधर लेके आई एक साइड ऑफ आई पे, फिर मैंने इसको मूव करवा के दूसरी तरफ ले आई, फिर जल्दी से इसको मूव करवा के दूसरी तरफ ले आई। ठीक है, विद इन 1 to 2 सेकंड में क्लोज करना है उसको, और फिर इस तरह से करना है। अब इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट इसका क्या होगा, जब आप अक्लूडर को रिमूव करोगे तो इफ आई स्विंग्स आउटवर्ड, आंख वन और बोथ आईज बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो इसका मतलब उसने जोर लगा के नॉर्मल आई साइड पे रखा हुआ था ना, सेंटर में रखा हुआ था आई को, तो इसका मतलब एक्सोफोरिया है। जब वो आई थक जाएगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव कर जाएगी, जहां से वो जोर लगा के वापस आ रही है। ठीक है, थक के वो जहां गिरेगी वही उसका हिडन स्क्विंट होगा। अगर वो स्विंग करके इनवर्ड मूव करेगी तो वो एक्सोफोरिया होगा, अगर आई मूव करके डाउनवर्ड करेगी तो वो हाइपोफोरिया होगा। अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली, देख लेते हैं ड्रॉ करके कैसे हो रहा है ये। ठीक हो गया, अब ये दोनों आई जो है सेंटर में है। ठीक है, इनके अब आप कैसे करोगे कि आप ऑक्लूडर लोगे, पहले राइट को करोगे कवर, फिर उसको अनकवर करोगे, फिर आप लेफ्ट को करोगे 1 to 2 सेकंड पर, ये स्टेप आप 8 times रिपीट करोगे। इफ आई मूव इनवर्ड राइट, आई मूव इनवर्ड और लेफ्ट आई मूव इनवर्ड और बोथ आईज मूव इनवर्ड, तो अगर राइट आई मूव इनवर्ड करती है तो इसमें हिडन स्क्विंट जो था इनवर्ड था। ठीक है, इजोट्रोपिया था, इजोफोरिया था। वॉट इज हिडन स्क्विंट, इज इट फोरिया और ट्रोपिया? हिडन स्क्विंट इज यूजली फोरिया, तो ये इजो फोरिया। और अगर अगर आई मूव करती है आउटवर्ड, तो उसका मतलब है आपने थका के उसको ओरिजिनल, जब थकेगी तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे चली जाएगी, जो उसका स्क्विंट होगा, जो वो जोर लगा के फिक्सेट करके आपने आपको शो करी थी कि स्क्विंट नहीं है, वो उसकी जो असलियत होगी वो आप उसको थका के निकाल लोगे। तो ये हो गया एक्सो, ठीक हो गया, ये हो गया एक्सोफोरिया। फिर अगर एफ आई मूव अपवर्ड तो उसका मतलब क्या हो गया, हाइपरफोरिया। एंड इफ आई मूव डाउनवर्ड, If I move downward, so
इट इज हाइपोफोरिया. आई होप दिस हेल्प्स यू.